अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ अनसेंसर्ड की नई एपिसोड के साथ अमजद हादी यूसुफ़ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे हाथ में किताब देकर आप हैरान हो रहे होंगे कहाँ फिल्मों, टीवी ड्रामों, गानों की बातें करने वाले शख्स आज किताब के साथ क्या कर रहा है। इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं, मुझ जैसा शख्स भी एक किताब पढ़ने पर मजबूर हुआ तो उस किताब में कोई तो बात होगी। इस किताब की ख़ास बात यह है कि यह किताब किसी आम शख्स ने नहीं लिखी। ये वो फनकार है जिसे हम अगर पश्तो फिल्मों के बानी अदाकारों में शुमार करें तो बेजा नहीं होगा। इस फनकार का नाम अमान है और ये इनकी किताब है। और आप कह रहे होंगे ये किताब मैंने क्यों पढ़ी या मुझे क्यों शौक हुआ, तो मुझे इस किताब के टाइटल ने बड़ा अट्रैक किया। मैं एक फ्लॉप हीरो, लेकिन, और इस लेकिन में ही सारी बात छुपी हुई है। इस किताब में अमान साहब ने अपनी ज़िंदगी आवाज़ से बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात भी किए हैं। ये किताब ऐसी है जिसे अक्सर कहते हैं कि फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, कॉमेडी है, सब कुछ है। इस किताब में भी आपको सब कुछ मिलेगा। इस किताब में एक जानिब अमान ने अपनी पूरी ज़िंदगी बयान की है, दूसरी जानिब इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा करीब से मुशाहिदा किया है और बताया है कि उरूज कैसे था, जवाल कैसे आया और मुस्तकबिल क्या है। इस किताब में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं और बताया है कि वो पहले कैसे काम करता था और अब क्या हाल है। किसी ज़माने में पीटीवी के ड्रामे देखने के लिए लोग बाज़ार सुनसान कर देते थे, भाई ड्रामा आने वाला है पीटीवी पे। उस वक्त कुछ और था भी नहीं, लेकिन अब क्यों पीटीवी का बुरा हाल है, उसका बयान इस किताब में है। इस किताब में उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ऐसे ऐसे बातें की हैं जिन्हें पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कभी एक इंसान के साथ ऐसे ऐसे वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। इस किताब में जहाँ तक उन्होंने अपने साथी अदाकारों के हवाले से ज़बरदस्त बातें की हैं, चाहे वो बदर मुनीर हों, आसिफ खान हों, नेमत सरदी, यास्मीन खान, मसरत शाहीन, सुरैया खान, जमील बाबर, मशहूर शायर कतील शिफाई के हवाले से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। अमान साहब ने इस किताब में बताया है कि वो फ्लॉप क्यों थे बतौर हीरो, इसमें उन्होंने अपनी गलतियां भी बयान की हैं। इस किताब में उन्होंने ख़ुद को अकलेकुल साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये कहा है कि वो बिल्कुल एक आम से अदाकार थे जिन्हें कुछ समझ बूझ नहीं थी, किस्मत ने उन्हें अदाकार बनाया। और वो हीरो क्यों नहीं बने, इसमें उनकी अपनी गलतियाँ थीं, क्योंकि उन्हें पहली पश्तो फिल्म की ऑफर हुई थी बतौर हीरो, लेकिन उन्हें उस वक्त उर्दू फिल्म में हीरो आने का जुनून था, जिसकी वजह से वो मौका उन्होंने गंवा दिया। फिर जिस वक्त यूसुफ खान शर्बानो बनना शुरू हुई, उसी दौरान इनकी बतौर हीरो फिल्म कला खजां कला बहार भी शुरू हुई, लेकिन बदकिस्मती शायद इनकी किस्मत में पश्तो फिल्म के पहले हीरो बनने का एजाज़ नहीं लिखा था। यूसुफ खान पहले रिलीज़ हुई, बदर मुनीर सुपरस्टार बन गए। दूसरी फिल्म दरा खैबर में इन्होंने आसफ खान के साथ विलन का किरदार अदा किया, फिल्म इनके काम को भी सराहा गया। लेकिन आपको पता है हमारे लोगों के जहन में एक बार एक अदाकार का इमेज बन जाए तो फिर वो लाख कोशिश करे वो उसी इमेज में रह जाता है। इसलिए लोगों ने बदर मुनीर और आसफ खान को तो हीरो कबूल कर लिया, लेकिन अमान को बतौर हीरो उन्होंने कला खजां कला बहार में कबूल नहीं किया। फिल्म की रिलीज़ के मौके पर भी ऐसे वाक़यात हुए, कुछ वो फिल्म लेट भी हुई, इस वजह से वो फिल्म कामयाब साबित नहीं हुई, नाकाम रही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमान ने हिम्मत हारी हो, कि अमान ने बतौर अदाकार अपने लिए अलग मुकाम बनाया, बल्कि मैं कहूँगा कि पश्तो फिल्मों के सुनहरी दौर की बेहतरीन फिल्मों में अमान साहब का अहम किरदार रहा है, चाहे वो दरा खैबर हो, खाना बदोश हो, जरताजा और बल। ये वो फिल्में हैं जिन्हें आज भी लोग देते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये फिल्म कैसे बन गई, भाई कम वसाइल में बेहतरीन फिल्में बनी हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि पश्तो फिल्म में सवाल क्यों आया, क्या वजूहात थी। इसमें उन्होंने हिदायतकारों के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि जो बड़े बड़े हिदायतकार थे लेकिन बुग़्ज़, कीना और झूठ की वजह से उन्हें नुकसान भी पहुँचा, वो फिर फरामोश कर दिए गए, गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने कामयाबी को बरकरार नहीं रखा।
साथी अदाकारों के हवाले से इनकी बातें बाज़ लोगों को शायद तलख भी लगें, लेकिन इस किताब में उन्होंने अपने वालिद के हवाले से भी बड़ी ऐसी बातें की हैं जिनके बारे में लिखते हुए बंदा सोच में पड़ जाता है कि भाई इन्होंने तो किसी पर भी पर्दे नहीं डाले, अपने ऊपर पर्दे नहीं डाले, अपनी भी गलतियाँ बयान की हैं, अपनी भी जवानी के किस्से बयान किए हैं कि क्या क्या हुआ, महफिलों की बातें की हैं, मुआशकों की बातें की हैं। और वो इनकी किताब में ऐसे ऐसे इस्लामी हवाले दिए गए कि आप हैरान होंगे कि भाई ये बंदा तो बड़ा ही कुछ अजीब ही सोच वाला बंदा है, ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसे चला गया। अगर इस किताब ने मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये किताब बहुत पसंद आएगी। अमान साहब के हवाले से हमारे चैनल का भी एक लिंक बनता है, हमारे चैनल के एडिटर साहब ने जुल्फिकार भट्टी साहब, उन्होंने बचपन में अमान साहब के साथ एक फिल्म ताकत और ज़िंदगी में उनके भांजे का किरदार अदा किया था। वो किरदार दरअसल फिल्म के हीरो आसफ खान के बचपन का रोल था जो जुल्फिकार भट्टी ने अदा किया था। क्या बकल है मामा जी? बच्चिया, देर सर बरा शमा, देर सर बरा शमा। खुगोरा, यो खबर याद साता, शोक सर सबक वह, चिल्लो ही सर दरना जुड़ी, हाँ? किताब इस तरह एक लिंक बन गया। उम्मीद करता हूँ ये किताब आप ज़रूर पढ़ेंगे और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी क्या, बन क्या गई और इसकी वजूहात क्या हैं। तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा।